अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल सदियाली पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आई हुई एक बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले नींबू के अचार की रेसिपी, जो हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए ना, सबसे पहले हम चले गए बगीचे पे नींबू को तोड़ने के लिए। तो हम अब नींबू को तोड़ लेते हैं। नींबू को ना तोड़ने वक्त, मतलब तोड़ते वक्त ना, इसको बड़े ध्यान से तोड़िएगा, क्योंकि उसका जो कांटा है ना, वो लग जाता है। तो अब हमारा नींबू तोड़ना हो गया है ख़त्म, और अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से धो कर एक बर्तन पे ले ली है, थोड़ा हरी मिर्च भी इस पे ले ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। जो बड़ा वाला, छोटा वाला जो नींबू है ना, उसको हम चार टुकड़ों में कट कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला है तो हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसका अंदर का ये जो हिस्सा है ना, उसको फेंक देंगे, और सीड्स जो है रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो अचार के लिए जिस तरीके से कट करते हैं ना, उस तरीके से इसको हम कट कर लेते हैं। तो हमारा नींबू का कटिंग हो गया है ख़त्म। अब हम कर लेते हैं मिर्ची का कटिंग। मिर्ची को हम इस तरीके से काट कर लेंगे। तो हमारा मिर्ची का कटिंग भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसको इसमें ना डाल के इसको मिक्स कर देंगे। हमने इस पे ऐड कर दी है नमक, और ये काला नमक है। ये नमक जो है ना, वो अपने सामान के क्वांटिटी के हिसाब से ही डाल देना। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको ना मिक्स करके हम ऐसे चार दिन के लिए, मैंने तो चार दिन रखा था, चार दिन के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसको हम इस तरीके से ढक के, अब मिलते हैं मसाले के। और मैं चार दिन बाद मिल रही हूँ, और ये मसाला है, मैंने धूप में सुखाने के लिए दे दिया है। और जो नींबू मैंने मिक्स करके रखा था ना, उस पर बहुत पानी आ गया, तो मैं इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। तो अब आते हैं कढ़ाई की ओर। ये जो मसाला है ना, सब मसाला, मतलब अचार का जो मसाला है ना, सब यहाँ मिक्स कर लिया है मैंने। और इसको हम थोड़ी देर तक ऐसे धीमी आँच में गैस को रखे भून लेंगे। जब इसका हल्का सा, मतलब फ्लेवर आ जाएगा ना मसाला का, तो हम इसको निकाल के इसका पाउडर बना देंगे। तो हमारा मसाला भूनना एकदम हो गया है। अब हम इसको बना देते हैं पाउडर। तो हमारा मसाले का जो पाउडर है ना, मसाला का नहीं यार, अचार का जो पाउडर है ना, वो रेडी हो गया है। अब हम आते हैं कढ़ाई की ओर, और कढ़ाई को गर्म करके ना, इस पर डाल देते हैं सरसों का तेल। और तेल को गर्म करके ना, हम इस पर सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा। जीरा को ऐड कर लेंगे इस पर। अब हम इस पे ऐड करेंगे लहसुन को। इसको ना कूट के रखा था, कूट के हम इस पे ऐड करेंगे, पेस्ट नहीं ऐड करेंगे। अचार पे अगर ऐसे कूट के दो ना, तो अच्छा लगता है। अब हम इसको ब्राउन होने तक, ब्राउन तो हो गया है, अब हम इस पे ऐड करेंगे वो नींबू और मिर्ची जो मिक्स किया हुआ था चार दिन पहले, वो हम अब इस पे ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, और अब हम इस पे डालेंगे मसाला। तो मसाले में ऐड कर देती हूँ, ये टर्मेरिक पाउडर है एक चम्मच ली है, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, और धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच ली है मैंने इस पे। अपना सामान समझ के, अपना स्वाद अनुसार ही ये सब ऐड कीजिएगा। और अब हम दे देते हैं इस पे अचार का मसाला। मैं यहाँ ढाई चम्मच ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो हमारा जो ये मिक्स करना हो गया है कंप्लीट, और अब हम बंद कर देते हैं।
गैस को बंद कर देते हैं। तो मैंने ना जब इसको मिक्स किया ना, इस पर नमक देना भूल गई थी, तो अब हम इस पर नमक को ऐड कर देंगे। ये काला नमक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिक्स करना हो गया है और अब हम इस पर डाल देंगे सरसों का कच्चा वाला जो तेल है ना, उसको हम इस पर डाल देंगे। और अब हम ऐड कर रहे हैं विनेगर, जो अचार पे देंगे ना तो अचार मतलब कभी ख़राब नहीं होगा, ख़राब होने का नाम ही नहीं लेगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। विनेगर को डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो हमारा अचार एकदम तैयार है, लग रहा है ना कितना मज़ेदार। तो अब हम इसको डिब्बे में रख देंगे और जितने साल हो सके हम इसको ऐसे रख सकते हैं। हाँ, बीच बीच में इसको निकाल के मतलब धूप पे देना पड़ेगा, लेकिन अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी ये जो अचार की रेसिपी का वीडियो जो है ना, ये आप लोगों को अच्छा लगे। तो अगर अच्छा लगे, यार अच्छा तो लगना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और थोड़ा मैंने इस पर विनेगर को भी ऐड कर दिया।